हेलो गाइस, गुड इवनिंग, सॉरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं सब लोग और आप लोगों का स्टडी कैसा चल रहा है? एक्साइटेड हो आगाज के नेक्स्ट सेशन में? गाइस आज आप लोगों को इतनी नई चीजें सीखने को मिलने वाली है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में, ठीक है, जिसे आप प्रौद्योगिकी कहते हो, नाभिकीय प्रौद्योगिकी अगर मैं हिंदी में कहना चाहूं, माफ कीजिएगा कभी अगर मेरे हिंदी के वर्ड्स का ट्रांसलेशन कम ज्यादा हो जाए। मैं बहुत पूरा प्रयास कर रहा हूं मेरी तरफ से कि मैं आपको प्रॉपर हिंदी में बता सकूं चीजों को, तो आपको थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी मेरे साथ और धीरे धीरे मैं भी इंप्रूव हो जाऊंगा क्योंकि अब तक मैंने सिर्फ इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया हुआ है। और आई होप कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो मैं आपको बता रहा हूँ। बस एक बार आपको मुझे ये बताना है, क्या मैं आपको ऑडिबल और विजिबल हूँ? क्या आप मुझे देख और सुन सकते हो? ये एक बार आपने कंफर्मेशन दे दिया तो मैं आगे का कंटेंट बढ़ाना आपके लिए स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है? तो बस एक बार बता दीजिए, क्या मैं ऑडिबल और विजिबल हूँ आप सभी लोगों को? एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू एवरीबडी? चलिए बता दीजिए। हेलो खुशबू पवार, सो यस, जब तक आपका मैसेज नहीं आता आई नीड टू वेट। चलिए बताइए, यस यस, ओके, यहाँ पे मुझे मैसेज आना स्टार्ट हो गए हैं कि यस ऑल गुड ग्रेट। सो लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, दैट इज अनअकैडमी। गाइस अनअकैडमी पे आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट मिलता है आपको डेली लाइव क्लासेस मिलते हैं जो बहुत ही क्रूशियल है आपके प्री और मेंस के एग्जाम के लिए। उसके साथ साथ गाइज हम आपको स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं। ये जो स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज है गाइज, इन स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज को अगर आप अटेंड कर लोगे तो आपका स्टडी एकदम स्ट्रक्चर्ड मैनर में हो जाएगा। तो स्ट्रक्चर्ड मैनर में ये स्टडी करने से बेनिफिट ये होता है आपको कि आप प्रॉपर तरीके से पढ़ पाओगे, ठीक है? तो प्लस और आइकॉनिक पे हम ये स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस आपको सब प्रोवाइड करते हैं। और आपको पता ही है, अगर आपको प्लस और आइकॉनिक पे जाना है तो आपको एक कोड की जरूरत होती है जो आपको डिस्काउंट अवेलेबल करके देता है और उस कोड को हम कहते हैं SKUS, ओके? देन गाइज एवरी डे एट 8 AM इन द मॉर्निंग एंड एवरी डे एट 4 PM इन द इवनिंग, ये दो मॉक टेस्ट मैं कंडक्ट कर रहा हूँ। तो आपको इंश्योर करना है कि अगर आप प्रीलिम 2021 दे रहे हो सीरियसली तो आपको ये दोनों मॉक टेस्ट अटेंड करनी है। 8 AM की मॉक टेस्ट आप लाइव अटेंड कर लिए कंपलसरी, हाँ 4 PM की क्योंकि हमारे आगाज के सेशंस होते हैं तो उसलिए आप इसको रिकॉर्डेड भी देख सकते हो, ठीक है? तो ये हो गए आपके लाइव टेस्ट और मॉक टेस्ट के बारे में। एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग ऑन अनअकैडमी इज इन रिकॉर्डेड फॉर्मेट गाइस, तो आपको हर एक चीज का अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाता है यहाँ पे, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। ये इंडिया के टॉप एजुकेटर्स है जो आपको हेल्प करेंगे आपकी एग्जाम क्रैक करने में। तो आई एम ऑलरेडी वन ऑफ देम गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, ठीक है? चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो आपका ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। अब जिन बच्चों को पीडीएफ से रिलेटेड दिक्कतें है ना, निकट नमस्ते, अरे निकट आप जम्मू कश्मीर से हो क्या? तो ये जो टेलीग्राम चैनल है, इसी टेलीग्राम चैनल पे मैं सारे मेरे पीडीएफ अपलोड कर रहा हूं। तो आप जब इसको सब्सक्राइब करते हो इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, इसे सब्सक्राइब करने के बाद आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। और ये मेरा अनअकैडमी का प्रोफाइल है, एज सून एज पॉसिबल आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो करो ताकि अनअकैडमी पे मैं जो आपको क्वालिटी कंटेंट दे रहा हूं वो आपका मिस आउट ना हो। देन गाइज अनअकैडमी पे हम कॉम्प्रेहेंसिव कवरेज ऑफ द सिलेबस प्रोवाइड करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो ये ईच एंड एवरी टॉपिक जो आपको यूपीएससी सीएससी कैटेगरी में चाहिए ना, वो सारे टॉपिक हम अनअकैडमी के यूपीएससी सीएससी कैटेगरी में आपको प्रोवाइड करते हैं। कॉम्प्रेहेंसिव कवरेज ऑफ द सिलेबस आपको दिया जाता है। देन गाइज आप जब प्लस पे जाते हो तो प्लस पे जाने के बाद आपको लाइव क्लास, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्स और अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है। इन चार के साथ पर्सनल, अगर आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए, टेस्ट एनालिसिस चाहिए, एक्सपर्ट गाइडलाइन चाहिए, स्टडी मटेरियल चाहिए और स्टडी प्लानर चाहिए, तो ये सब कुछ आपको आइकॉनिक में मिलेगा। मतलब आप अगर आइकॉनिक पे जाते हो तो आपको प्लस के भी बेनिफिट मिलते हैं और ये एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाते हैं, ओके? हाँ जरूर साहिद, जरूर। उसके बाद गाइज अगर आप सिर्फ ऑप्शनल का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो यहाँ पे ये ऑप्शनल के सब्सक्रिप्शन भी अवेलेबल है। और ये ऑप्शनल के सब्सक्रिप्शन में आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट देने के लिए कोड उपलब्ध है, उसे हम कहते हैं SKUS, ठीक है? देन कॉम्बो सब्सक्रिप्शन भी हमारे पास अब अवेलेबल है। तो ये जो कॉम्बो सब्सक्रिप्शन है जिसमें आप GS का प्लस और ऑप्शनल का प्लस ले सकते हो, या और एक ऑप्शन है आपके पास वो ये है कि GS का प्लस
और ऑप्शनल का भी प्लस आप ले सकते हो। तो ये दोनों अगर आप जाओगे तो 12, 24 और 36 मंथ के लिए ये कॉम्बो सब्सक्रिप्शन है जिसमें आपकी कॉस्ट कटिंग होती है, कॉस्ट सेविंग होती है। और अगर आप SKVS कोड यूज करोगे तो आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट ये कोड फिर से एक बार दे देता है। देन हमने अनअकैडमी की पाथफाइंडर टेस्ट सीरीज लॉन्च की है। अब ये जो टेस्ट सीरीज है ये हमने 13th of March से लॉन्च की है, इम्पल्स मार्च और राइज मार्च में। इसे अनलॉक करने के लिए आपको कोड चाहिए, वो कोड है SKUS। देन गाइज ये देखिए 1 year, 2 year, 3 year, ये 1 year की बैच कोर्स है, 2 year के बैच कोर्स है, हिंदी में बैच कोर्स है, इंग्लिश में बैच कोर्स है और इंग्लिश में भी बैच कोर्स है। ओके क्लियर अंडरस्टूड। तो ये सारे हमने बैच कोर्सेस 17th of March से लॉन्च किए और ये बैच कोर्सेस आपको एक तो मिलेंगे प्लस पे या फिर मिलेंगे आइकॉनिक पे। और प्लस और आइकॉनिक पे जाने के लिए आपको एक कोड यूज करना पड़ता है और वो कोड है SKUS। चलिए नमस्ते सभी को, नमस्ते सभी को, गुड आफ्टरनून और सभी का क्लास में वेलकम है। ठीक है यस कर देंगे यार। नेहा शर्मा आप मैं जिस तरीके से जा रहा हूं ना आप उस तरीके से सुनिए, अगर मैं रिवीजन नहीं करा रहा हूं तो आप फिर बताइए, है ना, समझ गए आप लोग। तो चलिए आगे चलते हैं। अनअकैडमी कॉम्बैट आपको देनी है, 21st March को अनअकैडमी कॉम्बैट होने वाली है नेक्स्ट, तो आपको ये अनअकैडमी कॉम्बैट देनी है और इनवाइट कोड पूछा जाता है तो अब आपको SKUS नाम का कोड यूज करना है। देन ये आगाज के बारे में तो आपको पता ही है, इंटरनेशनल रिलेशन से लेकर तो एनवायरमेंट तक रोज ये क्लासेस चलती है मंडे टू फ्राइडे, फाइन। और अब हम जाने वाले हैं न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के बेसिक्स पे। उससे पहले मैं आपको जो भी हमने कल पढ़ा हुआ है उनके कुछ टॉपिक्स के रिवीजन करा देता हूं। देखिए सबसे पहले हमने पढ़ा था, आप बताते जाओगे आप आंसर दोगे, बताइए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब होता है? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस या नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब हम सेलिब्रेट करते हैं, ये आपको बताना है। पहला क्वेश्चन है आपके लिए। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए ये है कि क्यों हम उस डेट को नेशनल टेक्नोलॉजी डे सेलिब्रेट करते हैं, उसी डेट को रीजन क्या है? यस नेशनल टेक्नोलॉजी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 11th of May। व्हाई वी सेलिब्रेट नेशनल टेक्नोलॉजी डे ऑन 11th of May? क्योंकि हमने 11th मई 1998 को इंडिया ने अपनी एक परमाणु विस्फोट किया था जिसे हम न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कहते हैं, वो 11th मई 1998 को किया था जिसका नाम था ऑपरेशन शक्ति, है ना। तो मुझे बताइए इंडिया ने पहला न्यूक्लियर टेस्ट या पहला परमाणु परीक्षण कब किया और नाम क्या था उसका? ठीक है एक ऑपरेशन शक्ति की रीजन से, उसके बाद दूसरा भी आपने बता दिया, हंसा नाम का इंडिजिनस एयरक्राफ्ट हमने टेस्ट किया था और त्रिशूल की भी हमने मिसाइल टेस्ट की थी। तो इन सब रीजन से हम उस दिन क्या करते हैं, नेशनल टेक्नोलॉजी डे सेलिब्रेट करते हैं। मैंने आपको दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि पहली हमने न्यूक्लियर टेस्ट की थी, परमाणु परीक्षण किया था 1974 में और उसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। वेरी गुड, उसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, मुझे बताइए जो न्यूक्लियर बॉम्ब होते हैं, परमाणु बम है, उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन होता है या न्यूक्लियर फिशन होता है? परमाणु बम में न्यूक्लियर फ्यूजन होता है या न्यूक्लियर फिशन होता है, मतलब इसमें नाभिकीय विखंडन होता है या नाभिकीय संलयन होता है, बताओ न्यूक्लियर फ्यूजन या न्यूक्लियर फिशन दोनों में से क्या होता है इसमें? चलिए बताइए क्विकली गाइस, न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फिशन में, तो न्यूक्लियर बॉम्ब में एग्जैक्टली हम क्या होता है? वेरी गुड, इट इज न्यूक्लियर फिशन। क्या बात है, क्या बात है, न्यूक्लियर बॉम्ब या परमाणु विस्फोट में न्यूक्लियर फिशन होता है। वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, न्यूक्लियर फ्यूजन जो है, न्यूक्लियर फ्यूजन में हम कौन से एलिमेंट यूज करते हैं, कौन से मूलद्रव्य हम नाभिकीय संलयन में यूज करते हैं और न्यूक्लियर फिशन में हम कौन से एलिमेंट यूज करते हैं, इन दोनों में हम कौन कौन से एलिमेंट यूज करते हैं? तो यहां देख लीजिए, फ्यूजन के लिए हम नॉर्मली यूज करते हैं हाइड्रोजन और उसके समस्थानिक, हाइड्रोजन के या लाइट एलिमेंट, जस्ट राइट कन्वेंशन, लाइटर एलिमेंट यूज करते हैं पर्टिकुलरली हाइड्रोजन और उसके समस्थानिक। और फिशन के लिए हम यूज करते हैं यूरेनियम, उसके बाद थोरियम और उसके बाद प्लूटोनियम, हेवी मेटल यूज करते हैं हम, हेवियर न्यूक्लियाई यूज करते हैं। ठीक है यस, हाइड्रोजन में ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, इनको हम यूज करते हैं, फ्यूजन और फ्यूजन। ये हो गया आपका नेशनल टेक्नोलॉजी डे के बारे में। देन और एक क्वेश्चन है आपके लिए, मुझे बताइए
एनपीटी कब एग्जिस्टेंस में आया पहले? सॉरी, हाँ पहले बताइए, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ये कब एग्जिस्टेंस में आया, फिर एनपीटी कब एग्जिस्टेंस में आया, और फिर सीटीबीटी कब एग्जिस्टेंस में आया, ये तीनों बताइए। इसका आपको पता है आईएईए का एम क्या है? एटम्स फॉर पीस, न्यूक्लियस या परमाणु को हमें शांतता के लिए यूज करना है, एटम्स फॉर पीस। इसका जो एम है एनपीटी का एम है ये परमाणु अप्रसार संधि है, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। मतलब ये चाहती है कि जो परमाणु बम बनाने की जो तकनीक है, जो टेक्नोलॉजी है, वो स्प्रेड ना हो दुनिया में, ठीक है, ये इसका एम है। और जो आपकी सीटीबीटी है, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, ये क्या करती है? न्यूक्लियर टेस्ट, परमाणु परीक्षण पे बंदी लाती है, न्यूक्लियर टेस्ट को बैन करती है, परमाणु परीक्षण पे क्या करती है, ये बंदी लाती है सीटीबीटी। एनपीटी 6970 मतलब 69 में सिग्नेचर के लिए ओपन हुई, 70 में एग्जिस्टेंस में आई, इट केम इनटू फोर्स। सीटीबीटी आई 1996 में और आपकी आईएईए आई थी 1957 में। तो अब आपके लिए और एक क्वेश्चन है, एनपीटी कितने कंट्रीज को न्यूक्लियर वेपन स्टेट मानती है? परमाणु शस्त्र जिनको लीगली रखना अलाउड है, ऐसे न्यूक्लियर वेपन स्टेट कितने हैं और उनके नाम क्या है? न्यूक्लियर वेपन स्टेट कितने हैं और उनके नाम बताइए। तो गाइज, न्यूक्लियर वेपन स्टेट 5 है और उनके नाम जो आपके नहीं, न्यूक्लियर वेपन एनपीटी ने जो न्यूक्लियर वेपन स्टेट रिकॉग्नाइज किए है ना, वो 5 है। वैसे टोटल 9 कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन है, 9 कंट्रीज के पास है, लेकिन एनपीटी ने कितने कंट्रीज को रिकॉग्नाइज किया है कि हाँ आप न्यूक्लियर वेपन स्टेट हो? 5 ही, उसमें यूएसए है, रशिया है, चाइना है, उसके बाद आपका यूके है और फ्रांस है, इन 5 को ही ये किया है। हाँ, और एक क्वेश्चन है आपके लिए, मुझे बताइए न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप एनएसजी कौन सी ईयर में एग्जिस्टेंस में आया और ये क्यों बना? न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप क्यों बना एनएसजी, उसका रीजन आप बताइए। ओके, मधुमिता सिंघा, मजा आ रहा है बच्चों, आप लोगों को मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं और आप देखिए कमेंट बॉक्स आंसर से ऐसा भर जा रहा है, ये क्या शो करता है कि आप लोगों को सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। एम आई राइट रॉयल क्रिएशन? यस। तो गाइज, ये एग्जिस्टेंस में आया 1974 में और ये क्यों एग्जिस्टेंस में आया? इन रिस्पॉन्स टू इंडिया न्यूक्लियर टेस्ट, इंडिया ने जो 1974 में हमारे न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट किया ना, उसके रिस्पॉन्स में ये एनएचजी आया है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी न्यूक्लियर फिशन फ्यूजन एंड ऑल। अब ये व्हाट इज क्वांटम एंटेंगलमेंट, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेकिन अभी हम इस पे नहीं जाएंगे, हम अब आपको न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के बेसिक्स बताते जाएंगे प्रीलिम्स के लिए जो इंपॉर्टेंट है। इंडिया इज नॉट रियाज, यस यू आर राइट, ठीक है। अब हम आपको न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के बेसिक्स पे लेकर जाते हैं। चलिए, मजा आ गया, मुझे तो बड़ा मजा आया गाइज आपको ये सब बताते वक्त, आपको ये सब पढ़ाते वक्त। और यहाँ और एक रिवीजन वाला पार्ट हमारा रह गया है ना, मुझे बताइए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या एनर्जी कितने फॉर्म्स में मिलती है आपको? ये जो एनर्जी होती है वो कितने फॉर्म में होती है बताइए? एनर्जी आपको 5 फॉर्म में मिलेगी, ये रहे आपके 5 फॉर्म्स, ये देख लीजिए आप। सबसे पहले आपको मिलेगी अल्ट्रा गामा रेज, गामा रेज के बाद अब आप बताओगे, हाँ सबसे पहले मैंने बता दिया गामा रेज मिलते, अब आप बताओ गामा रेज के बाद आपको क्या मिलता है, गामा रेज के बाद क्या होता है, चलो बताओ। यस, गामा रेज के बाद आते हैं एक्स रेज, और एक्स रेज के बाद अभिषेक ठाकुर, गुरुजी हमें भी मन लगता है रीडिंग में, ओके ग्रेट अभिषेक ठाकुर। गामा रेज के बाद क्या आता है? एक्स रेज, एक्स रेज के बाद What after X-rays? No, ऋतुराज, गामा के बाद X-rays आते हैं, ओके X-rays के बाद आते हैं आपके अल्ट्रावायलेट रेज, अल्ट्रावायलेट के बाद आती है विजिबल लाइट, विजिबल लाइट के बाद आती है इंफ्रारेड रेडिएशन, और इंफ्रारेड रेडिएशन के बाद आती है माइक्रोवेव्स, माइक्रोवेव्स के बाद आती है रेडियो वेव्स। ये रहे आपके गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव्स। अब आप आंसर कीजिए, गामा रेज से जब हम रेडियो वेव्स की तरफ जाते हैं तो वेवलेंथ बढ़ती है या कम होती है? व्हेन यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम गामा रेज टू रेडियो वेव्स, वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है बताओ? वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, जल्दी बताइए।
वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है, एवरीथिंग एल्स डिक्रीज होता है। सर आपका बोर्ड साफ नहीं दिख रहा है। अरे इस बोर्ड इतना ही साफ दिखेगा निकट, इतना ही साफ दिखेगा, इंक्रीज होती है, बढ़ती है, बाकी सब डिक्रीज होता है। जैसे गामा रे से रेडियो वेव्स की तरफ जाइए, आपकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, एनर्जी कंटेंट कम होगा, पेनिट्रेशन पावर कम होगा, सिर्फ आपकी वेवलेंथ गामा से रेडियो की तरफ जाते वक्त क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, तो ये सेवन हो गए। अब मुझे बताइए यूवी रेडिएशन क्या हम बैक्टीरिया को या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए यूवी रेडिएशन इंक्रीज यूज कर सकते हैं? पराबैंगनी जर्मी रेडिएशन क्या हम इनको यूज कर सकते हैं बैक्टीरिया को किल करने के लिए? बताओ बताओ गाइस, वीडियो का क्वालिटी बढ़ा दो निकट, आपको क्लियर दिख जाएगा। यस हम उसको यूज कर सकते हैं। अब मुझे बताइए पराबैंगनी रेडिएशन या यूवी रेडिएशन के कितने टाइप होते हैं? यूवी रेडिएशन के कितने टाइप होते हैं? मुझे इतना इतनी खुशी हो रही है ना, हर कोई आंसर कर रहा है और इसे बहुत मुझे बहुत खुशी मिल रही है। तो टाइप बताइए यूवी रेडिएशन के कितने हैं? तीन तरीके है। वेरी गुड मनीषा सिंह, ये देख लीजिए यूवी ए बी एंड सी, यूवी ए बी एंड सी, ये तीन तरीके तीन टाइप है यूवी रेडिएशन के। मुझे बताइए इन तीनों में से कौन से टाइप को एटमॉस्फेयर कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लेता है? कौन से टाइप के यूवी रेडिएशन को एटमॉस्फेयर कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लेता है, बताओ? तो इसका आंसर आएगा आपका सी। याद दिया है यूवी सी रेज आर मोस्ट हार्मफुल एंड आर कंप्लीटली एब्जॉर्ब बाय द अर्थ एटमॉस्फेयर। ठीक है प्रकाश सिंह, गामा रेज हम अभी करंटली बस यूनिवर्स के स्टडी के लिए यूज करते हैं। ओके अब मुझे बताइए ये जो यूवी ए बी सी है इनमें से यूवी ए पूरा का पूरा अर्थ पे आता है, यूवी बी पार्टली अर्थ पे आता है और पार्टली एब्सॉर्ब हो जाता है, और इसीलिए हम ये कहते हैं कि यूवी ए और यूवी बी की वजह से हमें म्यूटेशन हो सकते हैं, हमें कैंसर हो सकता है, बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। ओके उसके बाद हमने देखा था कि ये यूवीजीआई मतलब अल्ट्रा वायलेट जर्मिसाइडल आयोनाइजेशन या रेडिएशन। ओके थैंक यू मिठू, तो इनमें क्या होगा ये हम स्पेस एयर या वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं, ये पूरा मैंने आपको बताया था। खुशी हुई यस, विटामिन डी बनने के लिए भी यूवी रेडिएशन जरूरी है, और आपको पता है विटामिन डी बनने के लिए कौन से यूवी रेडिएशंस आपके लिए जरूरी है, तो वो यूवी रेडिएशन से जरूरी आपके लिए कौन से? यूवी ए। यस यस रॉयल क्रिएशन। अब मैं आज का टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों, अब आपको क्या करना है कमेंट बॉक्स में अननेसेसरी चीजें नहीं बोलनी है। अगर मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछूंगा आपको उसके आंसर करने, या आपके जो लेजिटिमेट क्वेश्चन होंगे उनके आंसर करने, कमेंट बॉक्स में एक दूसरे से बात नहीं करनी है, कमेंट बॉक्स में अननेसेसरी चीजें भी नहीं बोलनी है। ठीक है ये क्लियर हुआ, ताकि मैं पढ़ाई पे ध्यान दे सकूं, क्योंकि मेरा प्रॉब्लम क्या है पता है, मैं कंटिन्यूअसली मेरा ध्यान होता है कमेंट बॉक्स पे, आप जो छोटी छोटी चीजें बोलती हो ना वो भी मैं पढ़ लेता हूं, फिर मेरा डिस्ट्रैक्शन होता है। तो सबसे पहले अगर आपको नाभिकीय प्रौद्योगिकी समझनी है, परमाणु प्रौद्योगिकी समझनी है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी समझनी है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ये पता होना चाहिए कि आपका ये जो अलग अलग हम एलिमेंट यूज करते हैं, अलग अलग हम जो एलिमेंट यूज करते हैं, इन एलिमेंट्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट है वो आपको कहां मिलेंगे। तो अब मैं आपको वो एलिमेंट यहां पर दिखा रहा हूं, मैं यहां अंडरलाइन कर रहा हूं, ठीक है मैं यहां राउंड कर रहा हूं, आपको उनमें क्या करना है उन पे ध्यान देना है मेनली। देखिए यहां पे एक मैंने राउंड कर लिया, इसको मैंने राउंड कर लिया, इसे भी मैंने राउंड कर लिया, ये एक और ये एक, हमारे लिए न्यूक्लियर प्रौद्योगिकी में बस इतने ही एलिमेंट जरूरी है, उसमें भी ये छह एलिमेंट मैंने राउंड कर लिए, लेकिन इनमें हमारे लिए जो सबसे जरूरी है, ठीक है हमारे लिए जो सबसे जरूरी है वो तीन है। एक है थोरियम जिसकी परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर 90 है,
दूसरा है यूरेनियम जिसका एटॉमिक नंबर या परमाणु संख्या 92 है, और तीसरा है प्लूटोनियम जिसका एटॉमिक नंबर या परमाणु संख्या 94 है। ठीक है, ये अब आप बोलोगे सर बाकी के तीनों का काम, तो ये बीच में कभी कभी आ जाते हैं, प्रोटैक्टिनियम, नेपच्यूनियम और अमेरिसियम, ये बीच बीच में आते हैं। तो सबसे पहले आपको यहां पे याद रखना है कि ये तीन एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और इनको हम कहते हैं एक्टिनॉइड्स। ये एलिमेंट का बॉक्स स्टार्ट होता है एक्टिनियम से, तो हम इनको कहते हैं एक्टिनॉइड्स। ठीक है, ठीक है, क्लियर, एक्टिनॉइड्स कहते हैं। तो पहला पॉइंट, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में हम प्रीफरेबली, इन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हम प्रीफरेबली कौन से एलिमेंट यूज करते हैं, प्लूटोनियम, थोरियम, नेपच्यून, प्लूटोनियम, थोरियम, ये तो आपको पता ही चल जाएगा, लेकिन लेकिन आपको ये याद रखना है ये एक्टिनॉइड से, कभी कभी यूपीएससी आपके साथ खेलने के लिए यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम की जगह एक्टिनॉइड देगी। तो मुझे पहले स्लाइड से आपको ये बताना था कि आपके ये सारे एक्टिनॉइड से कौन कौन से, ये सारे एक्टिनॉइड से कौन कौन से, थोरियम एक्टिनॉइड है जिसका एटॉमिक नंबर 90 है, यूरेनियम एक्टिनॉइड है जिसका एटॉमिक नंबर 92 है, और प्लूटोनियम एक्टिनॉइड है जिसका एटॉमिक नंबर 94 है। बस इस स्लाइड से आपको इतना जानना था, मैंने वो पीरियोडिक टेबल में आपको इसलिए शो किया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि ये एग्जैक्टली कहां रहते हैं, वो उनका घर है जो अभी अभी आपने देखा। अब हम आते हैं आगे, अब ये कोई भी परमाणु जो होता है ना, कोई भी परमाणु जो होता है उसमें तीन चीजें कंपलसरी होती है, एक होते इलेक्ट्रॉन, दूसरे होते प्रोटॉन और तीसरे होते न्यूट्रॉन। तो ये कार्बन एटम है, इस कार्बन एटम में अगर आप देखोगे तो तीनों है। ठीक है, ये एटम का स्ट्रक्चर हुआ। उसके बाद मैंने कल आपको एटॉमिक नंबर या परमाणु संख्या की डेफिनेशन दी थी, प्रीलिम के लिए याद रखिए, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन। ओके, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम एटॉमिक नंबर या परमाणु संख्या कहते हैं। किसी रासायनिक तत्व की परमाणु संख्या या प्रोटॉन नंबर उस तत्व के प्रत्येक परमाणु के नाभिक में पाए जाने वाले प्रोटॉन की संख्या होती है। उस पर्टिकुलर परमाणु या एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स है ना, जितने प्रोटॉन्स है ना, उन सब उनको मिलकर हम उसे कहते हैं एटॉमिक नंबर। उन तीनों के नाम है प्रकाश कुमार, सबसे पहला है थोरियम, एटॉमिक नंबर 90, दूसरा है यूरेनियम, एटॉमिक नंबर 92, और तीसरा है प्लूटोनियम, एटॉमिक नंबर 94। ये चार तीन आपको याद रखने, तीनों की तीनों एक्टिनॉइड्स है। ओके, चलिए आगे। अब एटॉमिक नंबर या परमाणु संख्या की डेफिनेशन याद रहेगी, व्याख्या याद रहेगी, प्रीलिम में पूछ सकते हैं, लेकिन ये पूछ लिया तो सिंपल हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम परमाणु संख्या या एटॉमिक नंबर कहते हैं। उसी तरह और एक होता है, उसे हम कहते हैं परमाणु द्रव्यमान संख्या या एटॉमिक मास नंबर। इसमें टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आता है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो मैंने आप अभी तक आपको तीन चीजें बताई, एक्टिनॉइड्स क्या होते हैं ये बताया, फिर मैंने आपको बताया एटॉमिक नंबर क्या होता है या परमाणु संख्या, फिर मैंने आपको बताया एटॉमिक मास नंबर क्या होता है या परमाणु द्रव्यमान संख्या। ये तीनों चीजें अगर आपके दिमाग में बैठ गई है तो हम जा रहे हैं आगे। चलिए हम चलते हैं आगे। अब आइसोटोप, या इसी को आप हिंदी में कहते हो समस्थानिक, आइसोटोप का मतलब याद रखिए, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये डेफिनेशन आपको आ सकते हैं, एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक मास नंबर क्या है, आइसोटोप क्या है, परमाणु संख्या क्या है, परमाणु द्रव्यमान संख्या क्या है, समस्थानिक क्या है, ये प्रीलिम में पूछ सकते हैं। समस्थानिक का मतलब क्या होता है, परमाणु संख्या सेम, एटॉमिक नंबर सेम, लेकिन एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट। मतलब परमाणु संख्या सेम होती है लेकिन परमाणु द्रव्यमान संख्या जो है वो अलग होती है, तो उसे हम कहते हैं समस्थानिक। प्रीलिम के लिए याद रखिए आइसोटोप। ओके ओके, क्लियर, आइसोटोप सबको समझ में आ गया। देख लीजिए, आइसोटोप्स आर द वेरिएंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर केमिकल एलिमेंट विच डिफर इन न्यूट्रॉन नंबर एंड कॉन्सिक्वेंटली इन न्यूक्लियॉन नंबर, या फिर यहां पे देख लीजिए, ऑल आइसोटोप्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, क्या हम ये कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। मैं यहां पे आपको हाइड्रोजन के आइसोटोप लिख कर दे रहा हूं, एक प्रोटॉन, एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन, दो न्यूट्रॉन,
ये है आपका प्रोटियम, हाइड्रोजन का आइसोटोप। ये है आपका ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन का आइसोटोप। ये है आपका ट्रिटियम, हाइड्रोजन का आइसोटोप। ओके, अब इन तीनों में अगर आप देखोगे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है कि नहीं? तीनों में एक ही प्रोटॉन है इसलिए हम इनका एटॉमिक नंबर सेम है। तीनों में न्यूट्रॉन लेकिन अलग अलग है, इसमें जीरो है, इसमें वन है, इसमें दो है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अलग अलग और नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, तो इसलिए हम इनको कहते हैं आइसोटोप्स। तो आपको अब तक मैंने चार चीजें बताई, एक्टिनॉइड किसे कहते हैं, एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास नंबर क्या होता है और एटॉमिक आइसोटोप क्या होता है। चलिए आगे, ये है प्रोटियम, ट्रिटियम, ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन के आइसोटोप। उसके बाद अब आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जो है ना ये पूर्व परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूरेनियम के कौन कौन से आइसोटोप है जो हमें न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी या परमाणु प्रौद्योगिकी में, नाभिकीय प्रौद्योगिकी में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यूरेनियम के तीन आइसोटोप है, पहला है यूरेनियम 233, दूसरा यूरेनियम 230। न्यूक्लियॉन का मतलब होता है अभिलाष, अभी भाया कृष्णा, जो न्यूक्लियस में मिलते हैं उनको न्यूक्लियॉन कहते हैं। यहां देख लीजिए आप, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में है क्या? नहीं। प्रोटॉन न्यूक्लियस में है, न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में है, तो इसलिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम कहते हैं न्यूक्लियॉन और इलेक्ट्रॉन को हम न्यूक्लियॉन नहीं कहते क्योंकि वो न्यूक्लियस में नहीं है। तो जो पार्टिकल न्यूक्लियस में होते हैं उनको हम न्यूक्लियॉन कहते हैं, ठीक है। अब हम यूरेनियम पे आते हैं, यूरेनियम के तीन आइसोटोप है, यूरेनियम 234, यूरेनियम 235, यूरेनियम 238। अब ये यूरेनियम सर तारापुर में भी तो न्यूक्लियर पावर प्लांट है अनुराग वर्मा, और वो तारापुर मध्य प्रदेश में नहीं है, वो तारापुर महाराष्ट्र में, जहां पे न्यूक्लियर पावर प्लांट है तारापुर, जिसमें न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में नहीं है, ठीक है। चलिए अब इसे थोड़ा सा देख लीजिए, इस स्लाइड को इंपॉर्टेंट है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको यहां बताने जा रहा हूं जो आपको प्रीलिम के लिए याद रखना है, बहुत जरूरी है। केमिस्ट्री के बेसिक्स में आपको यूरेनियम पे क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, सुनो आप मेरी बात, ये तीन यूरेनियम के आइसोटोप हमें नेचुरली मिलते हैं, मतलब अगर आप यूरेनियम एक्सट्रैक्ट करोगे, यूरेनियम निकालोगे अर्थ में से, तो वो जो यूरेनियम निकाला है आपने अर्थ में से, वहां पे आपको यूरेनियम के तीन आइसोटोप मिलेंगे। वहां पे यूरेनियम के आपको कितने मिलेंगे आइसोटोप? तीन मिलेंगे। ईशा राज जो न्यूक्लियस में, जो नाभिक में होता है, उसे न्यूक्लियॉन कहते हैं, ठीक है। यूरेनियम 234, यूरेनियम 235 एंड यूरेनियम 238। अब सुनिए, इन नेचर मतलब निसर्ग में, मतलब नेचुरली यूरेनियम इज फाउंड एज यूरेनियम 238। तो हमें अगर 100 ग्राम यूरेनियम हमने निकाला अर्थ में से, पृथ्वी में से अगर हमने 100 ग्राम यूरेनियम निकाला ना, तो उसमें 99.30%, ये देख लीजिए, 99.30 ग्राम यूरेनियम 238 मिलेगा और 0.7 ग्राम यूरेनियम 235 मिलेगा, 0.70 ग्राम यूरेनियम 235 मिलेगा, और ये U-234 ये 0.0050 मिल रहा है, ओके 0.0050 मिल रहा है, इसे हम कहते हैं ट्रेस। तो अगर आपको प्रीलिम में पूछा जाए नेचुरली अकरिंग यूरेनियम कौन सा है, नीचे में से मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, U-238, बी U-233, सी U-239 एंड डी U-240। इनमें से बताओ नेचुरली हमें कौन सा यूरेनियम मिलता है, नेचर में हमें कौन सा यूरेनियम मिलता है, बताओ। आप लोगों से आंसर एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं यहां पे। यस, बोलिए गाइस, नहीं 238, वेरी गुड, आप लोगों ने एकदम सही आंसर दिया, ए 238। अपराजिता पुरी, सब कुछ आप एक बार खाना चाहते हो, मैं स्टेप बाय स्टेप पढ़ा रहा हूं, सब कुछ आएगा ना आपको,
ठीक है, हमें नेचुरली U238 मिलता है। वो कितना मिलता है नेचुरली U238, हमने यहां देखा अभी अभी, हमें वो मिलता है 99.3 ग्राम। ये क्लियर हुआ? तो हमें नेचर में जो यूरेनियम है उसमें मेनली दो मिलते हैं, U238 एंड U235, याद रहेगा, प्रिलिम के लिए याद रहेगा। देख लीजिए, थ्री नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम, यूरेनियम 238 99.30%, यूरेनियम 235 0.70%, U234 ट्रेस मतलब एकदम 0.000 फॉर्मेट में मिलता है, और आर्टिफिशियल आइसोटोप देख लीजिए, याद रखिए U233 ये आर्टिफिशियल आइसोटोप है, मतलब ये हमें नेचर में नहीं मिलता, हम इसे कृत्रिम रीत्या बनाते हैं, कृत्रिम है ये, ओके U233 फाइन। ये यूरेनियम 236, यूरेनियम 232, ये सारे आर्टिफिशियल है। चलो अब मैं आपको मैं कुछ लिख रहा हूं, आप खुद से पूछिए क्या आपको ये पता है। एक्टिनॉइड समझ में आ गया सभी को, एटॉमिक नंबर सभी को समझ में आ गया, एटॉमिक मास नंबर सभी को समझ में आ गया, आइसोटोप सभी को समझ में आ गया, एंड यूरेनियम के आइसोटोप नेचर में मिलने वाले समझ में आ गए आपको? अगर यस है तो हम जा रहे हैं आगे। इफ योर आंसर इज यस वी आर गोइंग अहेड, यू गाइज आर वेरी लकी। आप बस एक बार मुझे यूरेनियम के नेचुरली अकरिंग आइसोटोप के नाम बताइए, मैं आगे चला जाऊंगा। एक बार मुझे बताइए यूरेनियम के नेचुरली अकरिंग आइसोटोप के नाम। करण चाबुकश्वार, एटॉमिक नंबर म्हणजे टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, एखाद्या एटम मध्ये जितके प्रोटॉन असतील ना त्याला म्हणतात एटॉमिक नंबर, उसे कहते हैं एटॉमिक नंबर। U238, U235 एंड U234 फाइन, और बाकी सारे आपके सामने। अब याद रखिए आपको यूरेनियम के तीन आइसोटोप याद रखने, आपको यूरेनियम के सिर्फ तीन आइसोटोप याद रखने, एक याद रखना है U238, दूसरा याद रखना है U235 और तीसरा याद रखना है U233। बस ये तीन आइसोटोप आप एग्जाम के लिए दिमाग में रखिए, बाकी कुछ जरूरत नहीं है, ओके। बाकी कुछ याद नहीं रखना है आपको यूरेनियम के आइसोटोप, बाकी के ये 234, 236, 232 इनको भूल जाओ, ठीक है, हम जा रहे हैं आगे, ठीक है। तो मोस्ट स्टेबल आइसोटोप आप यहां पे थोरियम के दिए, आपको थोरियम का एक ही आइसोटोप याद रखना है और वो है थोरियम 232। क्यों? नेचर में कितना मिलता है देखो, आइसोटोप और नेचर में मिलने वाला ट्रेस 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 ट्रेस, ये 232 100% मिलता है। तो नेचर में जो हमें थोरियम मिल रहा है, नेचर में जो हमें थोरियम मिल रहा है वो 232 है, पूरा का पूरा थोरियम अर्थ पे हमें 232 ही मिलता है, बाकी थोरियम के आइसोटोप हमें भूल जाने, उनको याद भी रखने की जरूरत नहीं है। तो अब तक देखिए यूरेनियम 238 याद रखना है आपको, नेचुरली अकरिंग है, यूरेनियम 235 याद रखना है नेचुरली अकरिंग है, यूरेनियम 233 याद रखना है आर्टिफिशियल है, और थोरियम 232 याद रखना है नेचुरली अकरिंग है। ये चार आइसोटोप आपको न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए, ठीक है। और लास्ट में क्यों लिखा, मतलब श्वेता सिंह मैंने कहा है वो याद रखने के लिए रखो, वो आर्टिफिशियल है तो क्या हुआ, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इसलिए याद रखना है आपको, ठीक है। और उसके बाद जो है और एक याद रखना है, उसका नाम है प्लूटोनियम 239, ये भी आर्टिफिशियल है, ये भी आर्टिफिशियल है। बस ये पांच आइसोटोप आपको याद रखने हैं, याद रखोगे ये पांच आइसोटोप आपको समझने हैं, समझने मतलब याद रखने, ये बहुत बार मिलेंगे आपको, जैसे ही मिलेंगे आपको बोलना है हाय यूरेनियम 238, आई नो यू आर द मोस्ट एबंडेंट नेचुरली अकरिंग आइसोटोप ऑफ यूरेनियम, आप नेचर में सबसे ज्यादा मिलते हो, यूरेनियम 238 को कहोगे, और थोरियम 232 मिलेगा तो उसे कहोगे अरे थोरियम तुम अपने दूसरे भाइयों को क्यों नहीं बचने देते, तुम अकेले 100% बन के बैठे हो नेचर में, और 233 को बोलेंगे बेटा डरो मत तुम कम हो लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत हो, और प्लूटोनियम 233 को तो हमने आर्टिफिशियली बनाया है, 239 को, यूरेनियम 233 को भी हमने क्या किया है आर्टिफिशियली बनाया है। क्लियर यहां तक?
आपको कौन से याद रखने मैंने आपको बता दिया, अब आपको सुनना है रेडियो एक्टिविटी क्या होता है, रेडियो धर्मिता। अब मैं हिंदी में इसका ट्रांसलेशन कर रहा था, मुझे हिंदी में इसका ट्रांसलेशन रेडियो धर्मिता ही मिला। क्या आप बता सकते हो मुझे, क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये, यस मिठू, कि ये जो आपका रेडियो एक्टिविटी, इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में इसके लिए क्या टर्म यूज होती है रेडियो एक्टिविटी के लिए, कोई बता सकता है? यस बोलो, रेडियो एक्टिविटी को हिंदी में क्या कहते हैं, देखते हैं आप में से किसी को पता होगा तो। थैंक यू ऋतुराज, प्रमोद कुमार, आप जो मैं अभी ये पढ़ा रहा हूं ये सुनिए, रेडियो धर्मिता ही है, ठीक है। चलो, रेडियो एक्टिविटी या रेडियो धर्मिता इसका मतलब क्या होता है, द पार्टिकल्स विच आर इमिटेड फ्रॉम अ न्यूक्लियर एज अ रिजल्ट ऑफ न्यूक्लियर इंस्टेबिलिटी। जब किसी परमाणु का, व्हेन जब किसी एटम का न्यूक्लियस या नाभिक अनस्टेबल होता है, अस्थिर होता है, अनस्टेबल होता है या अस्थिर होता है, तो उस टाइम क्या होता है, इस नाभिक से कुछ कण उत्सर्जित होते हैं, कुछ पार्टिकल इमिट होते हैं। व्हेन द न्यूक्लियस ऑफ अ न्यू ऑफ एन एटम इज अनस्टेबल, तो एट दैट टाइम सम पार्टिकल्स आर इमिटेड फ्रॉम दैट न्यूक्लियस, तो उसे हम कहते हैं रेडियो धर्मिता या रेडियो एक्टिविटी, रेडियो धर्मिता या रेडियो एक्टिविटी कहते हैं, ठीक है, समझ में आया? व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी, इमिशन ऑफ पार्टिकल्स बाय द न्यूक्लियस। जब नाभिक किस कणों को, अगर कण को उत्सर्जित करता है, तो उसे हम रेडियो धर्मिता कहते हैं। अब वो क्यों करता है, क्यों करता है वो इमिट, बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर इंस्टेबिलिटी। वो क्यों करता है, बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर इंस्टेबिलिटी, नाभिकीय अस्थिरता या परमाणु अस्थिरता की वजह से। डन, रेडियो एक्टिविटी की डेफिनेशन समझ में आ गई। Because the nucleus experienced the intense conflict between the two strongest forces in nature, it should not be surprising that there are many nuclear isotopes which are unstable and emit some kind of radiation. That's great, Rukhsar Sayyed. That's great. जितेंद्र कुमार, मैं रोज पीडीएफ के बारे में नहीं बता सकता, ये पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलती है और वो टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको क्लास के एंड में मिल जाएगी, ठीक है। चलिए आगे, अब ये पार्टिकल की इन्होंने बात की है, तो प्रीलिम्स के लिए याद रखिए रेडियो एक्टिविटी में कौन से पार्टिकल इमिट होते हैं, तो तीन पार्टिकल इमिट होते हैं, एक होते अल्फा, दूसरे होते बीटा और तीसरे होते गामा। तो इन तीन फॉर्म में रेडियो एक्टिविटी में पार्टिकल इमिट होते हैं, ओके ओके। राज प्रजापति, 8 एम इन द मॉर्निंग शार्प, सुबह मॉर्निंग में 8 एम को और शाम में इवनिंग में 4 बजे। डन, अल्फा बीटा गामा, ये हो गया क्लियर आपका। तो मैंने आपको बता दिया रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, जब कोई न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है तो उसकी वजह से वो कुछ पार्टिकल्स को इमिट करता है, उसे हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। और ये पार्टिकल तीन फॉर्म में इमिट होते हैं और वो तीन फॉर्म में अल्फा बीटा एंड गामा। नो, अल्फा गामा रेज ही होते, ये पार्टिकल नहीं होते, गामा को हम पार्टिकल नहीं कहते, हम गामा को रेज या गामा रेडिएशन कहते हैं, दे आर नॉट पार्टिकल, दे आर नॉट पार्टिकल, सिर्फ अल्फा और बीटा ये पार्टिकल्स है। डन, क्लियर। अब देखिए, मुझे बताइए क्या आपको रेडियो एक्टिविटी समझ में आ गया, और आप मुझे बताओगे रेडियो एक्टिविटी में कौन से पार्टिकल्स या रेडिएशन इमिट होते हैं, उनके नाम बताओ, रेडियो एक्टिविटी में कौन से पार्टिकल या रेडिएशंस इमिट होते हैं उनके नाम बताओ, फिर मैं आगे जाऊंगा। विकिरण के सबसे आम प्रकार अल्फा बीटा और गामा है, रेडियो विकिरण, ये अब सही लग रहा है ट्रांसलेशन। चलिए आगे, अब न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, देखिए गाइस, दुनिया में चार तरह के फोर्स होते हैं, चार फंडामेंटल फोर्सेस है, जो बेसिक या जिनको फंडामेंटल को आप क्या कहोगे, मूलभूत,
मूलभूत बल, देर आर फोर फंडामेंटल फोर्सेस, या चार मूलभूत बल होते हैं, ओके और वो चार फंडामेंटल फोर्सेस अगर मैं आपको बताना चाहूं तो वो नंबर वन, पहला होता है न्यूक्लियर फोर्स, एंड ये बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है, ओके. दूसरा होता है वीक इंटरैक्शन फोर्स. अगर आपको ये इंटरैक्शन फोर्स जानना है तो क्या करो, पानी की दो बूंदे लो, और मतलब एक सरफेस लो और उस एक सरफेस पे ना एकदम आसपास पानी की दो बूंदे डाल दो, वो बूंदे थोड़ी देर में अपने आप में मर्ज हो जाएगी, तो वो इंटरैक्शन फोर्स है, वीक इंटरैक्शन फोर्स. तीसरा होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, जो आप जानते हो अर्थ और जहां जहां पे आपने पढ़ा है ग्रेविटी होती है, जो न्यूटन ने बताया था ग्रेविटेशनल फोर्स. और लास्ट में होता है मैग्नेटिक फोर्स, या इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. लास्ट में होता है आपका मैग्नेटिक फोर्स. तो ये चार फंडामेंटल फोर्सेस है, इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है ये वाला, एंड वीकेस्ट फोर्स है ये वाला, ओके. यहां पे नाम वीक इंटरैक्शन लिखा है, लेकिन वीक इंटरैक्शन फोर्स वीकेस्ट नहीं है, वीक इंटरैक्शन फोर्स वीकेस्ट नहीं है. वीकेस्ट फोर्स कौन सा है? ग्रेविटी इज द वीकेस्ट फोर्स. एंड स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सा है? न्यूक्लियर इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स. चलो, सभी को समझ में आ गया, चार मूलभूत बल, फोर फंडामेंटल फोर्सेस, फोर फंडामेंटल फोर्सेस समझ में आए सभी को? यस. अब मैं आगे जाना चाहता हूं, क्योंकि तो देख लीजिए, परमाणु बल न्यूक्लियर फोर्स विद इन द इनक्रेडिबली स्मॉल न्यूक्लियर साइज, विद इन द इनक्रेडिबली स्मॉल न्यूक्लियर साइज, द टू स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर आर पिटेड अगेंस्ट ईच अदर. ये जो छोटा सा न्यूक्लियस है ना, उसमें ना कुश्ती कर रहे हैं दुनिया के सबसे दो स्ट्रॉन्ग फोर्स, कौन कौन से? When the balance is broken, the resultant radioactivity yields particles of enormous energy. अब सुनो, मैं बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपको बताने जा रहा हूं, सुनिएगा. आपको अभी चार फोर्सेस पता चल गया, और आपको ये भी पता चल गया कि रेडियो एक्टिविटी क्या होता है ना, ये भी आपको पता चल गया. अब सुनो, केयरफुली सुनो, ये है आपका न्यूक्लियस. ओके, बिफोर वी गो अहेड, लेट मी चेक इट आउट. यहां पे देखो कार्बन है, कार्बन की परमाणु संख्या 6 है. देखिए आपने, कार्बन की परमाणु संख्या कितनी है? 6 है. देखिए, हाँ, तो चलिए, तो कार्बन की अगर परमाणु संख्या 6 है तो इसका मतलब क्या हुआ? व्हाट डज इट मीन, व्हाट डज इट मीन कि कार्बन में 6 प्रोटॉन है. कार्बन में क्या है? 6 एक मिनट आओ बच्चों, यस. अब सुनो, ये न्यूक्लियस है, ये कार्बन का न्यूक्लियस है. तो कार्बन का एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या अगर 6 है, इसका मतलब इसमें कितने प्रोटॉन्स है? यस शालिनी, ओके. सुनो अब, कार्बन में 6 प्रोटॉन है. मुझे बताइए, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है कि नहीं? प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज्ड है. तो ये एक प्रोटॉन है पॉजिटिवली चार्ज्ड, ये दूसरा प्रोटॉन है पॉजिटिवली चार्ज्ड. ये एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो गए या एक दूसरे को रिपेल करेंगे, बताओ? ये प्रोटॉन एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे या एक दूसरे को ये रिपेल करेंगे? ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे. तो ये फोर्स ऑफ रिपल्शन है, ये फोर्स ऑफ रिपल्शन है बिटवीन दिस पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटॉन्स, ओके. लेकिन आप ये कार्बन के न्यूक्लियस में 6-6 प्रोटॉन आपने रखे हुए हैं, और इसका जो डायमीटर है ना, वो नैनोमीटर में होता है, मतलब सेंटीमीटर में नहीं, माइक्रोमीटर में नहीं, मिलीमीटर में नहीं, तो ये नैनोमीटर में होता है. इतनी स्मॉल जगह पे ये 6 पॉजिटिवली चार्ज्ड
पार्टिकल न्यूक्लियस में रखे है हमने, तो इसका मतलब है कि जो न्यूक्लियर फोर्स है वो इस रिपल्शन फोर्स से स्ट्रांग होगा कि नहीं। ये फोर्स ऑफ रिपल्शन से ज्यादा स्ट्रांग है न्यूक्लियर फोर्स, इसीलिए इतने सारे प्रोटॉन, 6 प्रोटॉन हमने एक साथ रखे। ये तो कार्बन का एग्जाम्पल हुआ। अगर आप जाओगे यूरेनियम में, यूरेनियम का एटॉमिक नंबर है 92, मतलब यूरेनियम के न्यूक्लियस में 92 पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटॉन बंद करके रखे हैं। इतने ज्यादा प्रोटॉन्स को बांध के रखने के लिए जस्ट इमेजिन कितना स्ट्रांग फोर्स लग रहा होगा, कितना इंपॉर्टेंट है ये फोर्स, इसे हम कहते हैं न्यूक्लियर फोर्स। तो देख लीजिए, परमाणु बल अविश्वसनीय रूप से छोटे परमाणु आकार के भीतर प्रकृति में दो सबसे मजबूत ताकतों एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं जब संतुलन टूट जाता है, मतलब जब ये बैलेंस बिगड़ जाता है तो ये न्यूक्लियस ब्रेक होता है, या फिर इस न्यूक्लियस में से एनर्जी रिलीज होती है। और वो एनर्जी रिलीज होती है एक तो अल्फा पार्टिकल के फॉर्म में, या बीटा पार्टिकल के फॉर्म में, या गामा रेडिएशन के फॉर्म में। समझ गए आप? तो ये रेडियो एक्टिविटी कब शो करता है कोई भी न्यूक्लियस रेडियो एक्टिविटी तब शो करता है जब उनके अंदर जो फोर्सेस है उनका बैलेंस बिगड़ जाए। समझ में आ गया सभी को? तो ये रिपल्सिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। मैंने आपको रेडियो एक्टिविटी बता दी। अच्छा, रेडियो एक्टिविटी में और एक कंसेप्ट होती है, उसे कहते हैं हाफ लाइफ होती है हर एक की। बैलेंस बिटवीन टू फोर्सेस, न्यूक्लियर फोर्स और आपका फोर्स ऑफ रिपल्शन, इन दोनों में जो बैलेंस है वो अगर ब्रेक हो जाए तो एनर्जी इमिट होती है फिर से बैलेंस मेंटेन रखने के लिए। हाफ लाइफ ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज आपके लिए, सुनिए। कार्बन के अलग अलग आइसोटोप है, एक कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, एक होता है कार्बन 12, एक होता है कार्बन 14। अब ये जो कार्बन 14 है ना, ये 10 ग्राम कार्बन 14 अगर आपने 2021 में 10 ग्राम कार्बन 14 आपने एक डिश में रख दिया, ठीक है, इस डिश में आपने 10 ग्राम कार्बन 14 रख दिया। अब 5000 साल बाद, आफ्टर 5000 ईयर्स, मतलब 7021 इस ईयर में अगर आप देखोगे ना यहां पे, तो ये 10 ग्राम का हो जाएगा 5 ग्राम। तो आधा कार्बन 14 इमिट होने के लिए, कार्बन का आधा मास खत्म होने के लिए कितना टाइम लगा? 5000 ईयर्स लगे। तो इसे कहते हैं हाफ लाइफ ऑफ कार्बन। इसे हम क्या कहते हैं? हाफ लाइफ ऑफ कार्बन। अब मुझे बताइए, हमारी बॉडी कौन कौन से एलिमेंट से बनी हुई है? हमारी नहीं, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी कौन कौन से एलिमेंट से बनती है बताओ? हमारे बॉडी में बच्चों कार्बन है, हमारे बॉडी में ऑक्सीजन है, हमारे बॉडी में नाइट्रोजन है, और भी बहुत सारे हैं, हाइड्रोजन है, ये बहुत सारे हैं। तो जब सपोज किसी इंडिविजुअल की डेथ हो गई, तो डेथ के टाइम, ओके प्रकाश सिंह वेट करो, डेथ के टाइम उस इंडिविजुअल के बॉडी में सपोज 10,000 ग्राम कार्बन था, तो ये 10,000 ग्राम का 5,000 ग्राम होने के लिए कितना टाइम लगेगा? 5,000 ईयर्स लगेंगे। इसीलिए आर्कियोलॉजी में, इतिहास में, अगर हमें कंकालों का या हमें जो फॉसिल्स मिलते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के, उन फॉसिल का एज डिसाइड करने के लिए हम एक तकनीक यूज करते हैं, उसे हम कहते हैं कार्बन डेटिंग। क्यों हम कार्बन डेटिंग ही यूज करते हैं? क्योंकि कार्बन की हाफ लाइफ 5000 ईयर्स है, 5000 साल है उसकी हाफ लाइफ। हाँ नेहा शर्मा, यही होता है। अब आपको समझ में आया कि कार्बन डेटिंग में हम कार्बन क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि कार्बन की हाफ लाइफ 5000 साल है। तो 5000 साल पुरानी अगर कोई चीज है तो उसका अगर एज हमें पता करना है तो हम देखते हैं कि इसमें कितना कार्बन बाकी रह गया है। जितना कार्बन बाकी रहा होगा, सपोज अगर इसमें सपोज 10,000 किलोग्राम 10,000 ग्राम कार्बन था और बाकी रह गया है 7,500 ग्राम, तो इसका एज हम कहेंगे 2,500 है, 2,500 है। सो याद रखिए, कार्बन डेटिंग इज यूज्ड
टू डिटरमाइन द एज ऑफ फॉसिल. फॉसिल का अगर आपको एज डिसाइड करना है, फॉसिल का अगर आपको एज डिटरमाइन करना है, तो आप क्या यूज करते हो? कार्बन डेटिंग यूज करते हो. क्लियर? इज दैट क्लियर? अब मैं आपको कुछ चीजें दिखाने वाला हूं, उससे आपको कुछ चीजों का पता चलेगा. आपको इनको बहुत केयरफुली देखना है. हाफ लाइफ ऑफ यूरेनियम. चलिए यूरेनियम के हाफ लाइफ देखो, 4.5 बिलियन ईयर्स. यूरेनियम के हाफ लाइफ कितनी है बताओ? यूरेनियम की हाफ लाइफ कितनी है? 4.5 बिलियन ईयर. तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि अगर हमें अर्थ पे जो भी रॉक्स है उनका एज डिटरमाइन करना है, तो क्या हम यूरेनियम डेटिंग यूज कर सकते हैं? यस और नो? यस कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि हमारे अर्थ का एज ही 4.5 बिलियन ईयर से तो हमारे अर्थ पे जो रॉक्स है, जैसे हिमालय के रॉक का एज 4.5 बिलियन ईयर होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हिमालय यंग फॉल्ट माउंटेन है. ओके, हाँ, लेकिन अरवली जो माउंटेन रेंज है ना, या डेक्कन प्लेट्यू, उसमें जो रॉक्स है उनका एज हो सकता है 4.5 बिलियन ईयर्स. तो हम यूरेनियम डेटिंग यूज करते हैं टू डिटरमाइन द एज ऑफ रॉक्स. कार्बन डेटिंग हम यूज करते हैं टू डिटरमाइन द एज ऑफ फॉसिल. एंड ठीक है, चलो ये क्लियर हो गया हमारा. अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे. रेडियो एक्टिविटी के बाद तो आपको हाफ लाइफ कंसेप्ट समझ में आ गई. यस, ऑस्ट्रेलिया के भी. हाँ, हर अभी भाया कृष्णा, हर एक रॉक का अगर आपको एज डिटरमाइन करना है तो आप यूरेनियम डेटिंग यूज करोगे, और फॉसिल का एज डिटरमाइन करना है तो आप कार्बन डेटिंग यूज करोगे. ओके, चलिए अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं, क्योंकि अभी हम रुकने वाले हैं. मुझे बताइए, सभी को एक्टिनॉइड समझ में आ गया? और अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हो. सभी को आइसोटोप, एटॉमिक नंबर समझ में आ गया? एटॉमिक मास नंबर समझ में आ गया? आइसोटोप समझ में आ गया? ये सब बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री है, साइंस के. उसके बाद आपको रेडियो एक्टिविटी समझ में आ गया? सभी को रेडियो एक्टिविटी समझ में आ गया? सभी को रेडियो हाफ लाइफ समझ में आ गया? हम कार्बन डेटिंग किसके लिए यूज करते हैं समझ में आ गया? हम यूरेनियम डेटिंग किसके लिए यूज करते हैं समझ में आ गया? ये सब अगर आपको समझ में आ गया है तो आज का हमारा ये टॉपिक खत्म होता है. अब यहां पे आपने रेडियो एक्टिविटी का सिंपल मतलब ये है, प्रकाश सिंह. देखिए, प्रकाश सिंह के लिए एक बार हम रेडियो एक्टिविटी बताते हैं. जो न्यूक्लियस होता है किसी भी एटम का, उस न्यूक्लियस के अंदर सपोज कार्बन का है 6 प्रोटॉन है, तो ये पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन है, तो उनमें फोर्स ऑफ रिपल्शन होता है. ये देख लो, ये 6 पॉजिटिव चार्ज है तो इनमें फोर्स रिपल्सिव फोर्स है, लेकिन ये 6 के 6 एक सिंगल न्यूक्लियस में हमने बंद करके रखे है, एकदम छोटे न्यूक्लियस में. तो यहां पे स्ट्रांग फोर्स भी है, स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स है ना. तो ये दोनों फोर्स एक दूसरे के अगेंस्ट काम कर रहे हैं. जब हम कोई न्यूट्रॉन इस पे बम्बार्ड करते हैं ना, तो इन फोर्स का बैलेंस बिगड़ जाता है, और इन फोर्सेस का बैलेंस बिगड़ जाने की वजह से ये कुछ पार्टिकल्स को इमिट करते हैं, और उसे हम कहते हैं रेडियो एक्टिविटी. जब कोई भी न्यूक्लियस पार्टिकल इमिट करता है, फिर वो अल्फा, बीटा या गामा हो सकता है, जब पार्टिकल को इमिट करता है तो हम उसे कहते हैं रेडियो एक्टिविटी. सर, वेयर ऑन अर्थ दीज यूरेनियम्स आर फाउंड? सर, वेयर ऑन अर्थ दीज? अरे अविनाश मिश्रा, यूरेनियम हमें बहुत जगह मिलता है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया में भी यूरेनियम मिलता है हमें. ओके, इंडिया में भी हमें यूरेनियम मिल जाता है. हाफ लाइफ का सिंपल मीनिंग है, एक पर्टिकुलर अमाउंट किसी एलिमेंट की वो आधी होने के लिए कितना टाइम लगता है. देख लीजिए, रेडियो एक्टिव डिके रेट्स आर नॉर्मली स्टेटेड इन टर्म्स ऑफ देयर हाफ लाइफ, एंड द हाफ लाइफ ऑफ अ गिवन स्पीसीज इज रिलेटेड टू इट्स रेडिएशन रिस्क. ठीक है, द रेडियो एक्टिव हाफ लाइफ फॉर अ गिवन रेडियो एक्टिव आइसोटोप इज द टाइम फॉर हाफ द रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर इन एनी सैंपल
टू अंडरगो रेडियो एक्टिव डीके। 10 ग्राम का 5 ग्राम होने के लिए जितना टाइम लगता है उसे हम हाफ लाइफ कहते हैं। ओके ऋतुराज, समझ में आ गया? अरे रियाज, नेचुरली हमें पता है अभी मेरे और आपके बॉडी में कितना कार्बन है, ये हमें पता है। जब हमारी डेथ होती है तो इनटेक ऑफ कार्बन स्टॉप हो जाता है ना, तो बॉडी में से बस वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट के फॉर्म में ही कार्बन इमिट होना स्टार्ट होता है, उससे हम गेस कर सकते हैं। नॉट कार्ब्स, अरे एक्टिनोइड में कुछ अलग याद नहीं रखना है, बस इतना याद रखना है प्लूटोनियम, देख लीजिए थोरियम प्रोटेक्टिनियम, ये एक्टिनोइड है, इतना याद रखना है। थोरियम प्रोटेक्टिनियम यूरेनियम नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम एंड अमरीशियम, दीज आर एक्टिनोइड्स, बस इतना याद रखना है। मतलब प्लूटोनियम यूरेनियम एंड थोरियम ये सारे एक्टिनोइड्स है, बस इतना याद रखो, बाकी ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग दे दी और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको कार्बन डेटिंग और यूरेनियम डेटिंग कर दी, क्योंकि वो रेडियो एक्टिव है, राहुल सिंह रेडियो एक्टिव है, इसलिए जिस न्यूक्लियस में एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन होते हैं ना वही डेटिंग के लिए यूज करते हैं, क्योंकि वो रेडियो एक्टिव होते हैं। सर साइंस मेरे पल्ले नहीं पड़ता था पर आपके क्लास से बहुत कुछ फर्क पड़ा, आज मैंने एक क्लास लिया है आपका, निकट पहले भी कर लो, दो क्लास हुए हैं, आपको बहुत हेल्प होगी। हो गया? क्लियर श्वेता? अभी तो बताया मैंने एक पर्टिकुलर अमाउंट है किसी भी एलिमेंट का, वो आधा होने के लिए जो टाइम लगता है उसे हाफ लाइफ कहते हैं। एक बार आप भी खुद से पढ़ लीजिएगा करंट अफेयर में जाकर, ठीक है? सो आज के लिए बस इतना ही काफी गाइस, आपको पता ही है कि आपको क्लास छोड़ने से पहले क्या याद रखना है। तो क्लास छोड़ने से पहले आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, और वो चीज ये है कि आपको मेरा कोड याद रखना है। ओके कौन सा कोड है? फिर भी अगर नहीं समझ में आता श्वेता, आप नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर कब होने वाला है हमारा बताओ? हमारा नेक्स्ट लेक्चर कब होने वाला है? मंडे। ओके आपको ये कोड याद रखना है SKUS, क्योंकि ये कोड आपको अनअकैडमी पे कहीं भी अगर आप जाओगे तो वो आपको कोड पूछते हैं, तो ये कोड याद रखना है 10% डिस्काउंट के लिए। दूसरा, जो बच्चे बोल रहे थे जिनको नोट्स चाहिए PDF फॉर्मेट में, आपको इस टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे इसी टेलीग्राम चैनल को ऐसा लगा रिविजन हो गया केमिस्ट्री की क्लास का जो 11th में पढ़ा था, यस विदुषी, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमने किया। आपको इसे सब्सक्राइब करना है क्योंकि मेरे क्लास की सारी नोट्स PDF फॉर्मेट में यही डाउनलोड होगी। सर तुम्ही खूब छान शिकवतात, सर खूब छान वाटतं ऐकायला, सगळं समजतं सर, थँक यू सर। अरे लक्ष्मण तू मराठी आहेस का, क्या बात है, थँक यू कनु बंसल। यस इन तीन क्लास का टेस्ट करा देना सर प्लीज। अच्छा टेस्ट करनी है, मतलब MCQ करवाने हैं इसके आपको? ओके इस अभी नहीं, थोड़े और क्लास होने दीजिए फिर MCQ करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है साहिब, चलिए ये टेलीग्राम चैनल है और उसके बाद ये मेरा अनअकैडमी का प्रोफाइल है, आपको मुझे अनअकैडमी पे फॉलो करना है, आपको मुझे अनअकैडमी पे हेड्स भी डेडिकेट करनी है। क्या बच्चों आपने ऑब्जर्व किया हमारे क्लास में अभी आजकल बस 150 या 160 बच्चे आ पा रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम होता है बच्चों का, और बाद में बोलते हैं कि यार कंप्लीट ही नहीं किया सर ने, अच्छे से पढ़ाया ही नहीं सर ने, तो ऐसे ही टाइम पास किया। ऐसा नहीं होता, आप क्लास ही अटेंड नहीं करते तो ऐसा ही होगा ना। ठीक है, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस, आपको याद ही है। अब हमारा नेक्स्ट क्लास मंडे को होगा आगाज का, ओके? और आपको पता है आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे मेरे मॉर्निंग में 8 AM में मेरी लाइव टेस्ट होती है, साइंस टेक एनवायरमेंट इको ज्योग्राफी मैपिंग या मॉक टेस्ट होती है, वो आपको कंपलसरी है अटेंड करना लाइव। ठीक है 8 AM की टेस्ट, जस्ट कीप दैट इन माइंड। फाइन गाइज, सो दैट्स इट फॉर द टुडे फ्रॉम माई साइड गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट एंड कीप डूइंग दिस। इन मेरे चैनल को, ये जो मेरा वीडियो है इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को और स्प्रेड द वर्ड गाइज, ओके स्प्रेड द वर्ड, है ना? थैंक यू फैजान अहमद, आई नो नॉट कॉर्प्स बट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके बाय गाइज, टेक केयर।